हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी टीम आपके साथ जोर शोर से लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पे अपने रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करोगे, जैसे फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे वहां पर, आप वहां पे हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपको हमारा सैंपल मटेरियल देखना है, आपको हमारे बारे में जानना है, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप डीपीपी और सैंपल मटेरियल डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वो मटेरियल बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं कहां पे, हमारी वेबसाइट पे, जो कि है talkingtextbooks.in। जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, आपको जाना है कहां, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर यहां पे कहीं आपको दिखेगा ऊपर, और वहां पे आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल चूज करना है। ठीक है, जैसे आपने क्लास 8 का सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, फाउंडेशन ओलंपियाड फॉर क्लास 8, मैंने यहां फॉर एग्जांपल क्लास 6 के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, फॉर क्लास 8। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, उसमें आपको कुछ इस तरीके से कैटेगरीज देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल, ठीक है, होमवर्क सबमिशन, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, और एक पैकेज आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब भी आप हमारा पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, फुल कोर्स मटेरियल, फुल स्टडी प्लान्स, तो आप जा सकते हैं फॉर हायर पैकेज। ओके, आप इनको सिंपली बाय कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, आप जैसे ही हाई पैकेज पे जाएंगे, आपको देखिए कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। होमवर्क सबमिशन आपका वहां चेकिंग भी होगा। ठीक है, जो होमवर्क हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से देंगे, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा और वो होमवर्क हम चेक करेंगे कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, और बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए रेगुलरली उसके अंदर होंगे। ठीक है, जहां पे आप उनकी प्रैक्टिस करके और जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमने आपके लिए यहां पर डिस्काउंट कूपन भी रखा हुआ है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। कैसे, कूपन कोड अप्लाई करके, ऑब्वियसली बात है। क्या अप्लाई करेंगे आप, एएम लाइव। ठीक है, एएम लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। जो भी आपके कोर्स की प्राइस मनी होगी, उसमें से 30% डिडक्ट होके वो आपको जो है बाय पैकेज के पेमेंट के रूप में पे करना हो। ठीक है, आप सिंपली यहां से बाय पैकेज कर सकते हैं किसी भी मीन्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर इस सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कोई समस्या आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको हमारे बारे में पहले जानना है, तो आप सिंपली कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे, जो है 9549041111। ठीक है, जैसे ही आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे, आपकी सारी समस्या, सारी क्वेरीज जो है बड़ी ही आसानी से दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले हम क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क मेक्स यू अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क आपको क्या बनाता है, स्मार्ट स्टूडेंट बनाता है। आपको क्या करना है,
लेक्चर के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, ठीक है? आपने प्रॉमिस ले लिया, आप लेक्चर के लास्ट तक आपको जो है अपने टेबल से, अपने चेयर से नहीं हिलना है और प्रॉपर नोट्स लेने हैं, ठीक है? आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या आज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज द लेक्चर टू ऑफ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है? चल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट, ठीक है? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? उसका फिजिकल यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तीन हमारे पास जो है मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किस फॉर्म में आपके मेटल्स रहते हैं, किस फॉर्म में आपके नॉन मेटल्स रहते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम जो है सारी प्रॉपर्टीज किसकी लेंगे, मेटल्स की लेंगे, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसकी, नॉन मेटल्स की। तो पहले आए आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके अंदर आता है फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसे होते हैं सारे मेटल्स आपके? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक्सेप्ट योर मर्करी, ठीक है? ये आपकी क्या है, मर्करी है, जिसको हम फॉर्मूला होता है इसका Hg, है ना? क्या है ये, मर्करी। ये सिल्वर कलर की होती है। ये कैसी होती है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैसी होती है? मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? एंड गैलियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम अकर इन लिक्विड स्टेट इन नेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। अगर इनको आप जो है थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा जो है आप इनको लिक्विड स्टेट में देख पाओगे, ठीक है? ये है क्या, सीजियम। सीजियम है लिक्विड स्टेट में सिल्वर कलर का, और जो आपका मर्करी है वो तो रूम टेम्परेचर भी कैसे रहता है, लिक्विड स्टेट में ही रहता है, ठीक है? सो मर्करी इज द ओनली आपका मेटल जो क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। हम रूम टेम्परेचर पे ही रहते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे हम जो है सीजियम फ्रेंशियम की बात नहीं करते, गैलियम की बात नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपका एक ही ऐसा जो है मेटल है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट इज मर्करी। ओके, फिजिकल स्टेट की बात करें, सारे मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं और एक्सेप्ट मर्करी। कुछ आपके फिजिकल स्टेट में जो है एक्सेप्शंस भी आएंगे, ठीक है? एक्सेप्शंस भी आएंगे, और एक्सेप्शंस आपको जो है ध्यान रखने हैं, उनको अलग से नोट करना है, ठीक है? एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछता है, एक्सेप्शन से ही आपको जो है उलझाएगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है? अगर आप सिर्फ याद रखेंगे कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो आपका सही आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है? आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं कि एक ऐसा मेटल भी होता है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? नोट करिए, साथ के साथ नोट करते भी रहिए, ठीक है? नोट्स भी लेते रहिए, जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस, है ना? मेटल्स आर जनरली हार्ड। ओके, पहली थी हमारी फिजिकल स्टेट, सेकंड है हमारी हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं आपके जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, ठीक है? कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। ओके, हार्डनेस भी वेरी कर सकती है। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर क्वाइट हार्ड एंड दे कैन नॉट बी कट विद नाइफ, ठीक है? मेटल्स लाइक आपके एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन जो है काफी हार्ड होते हैं और उन्हें हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है इसके अंदर भी आपका सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आपके ऐसे मेटल्स हैं जो क्या हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। क्या हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं कि आप इनको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉमन एक्सेप्शन विच
आर सॉफ्ट एंड कैन इजीली कट विद अ नाइफ। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको जो है नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट सॉफ्ट। ओके, दे आर नॉट हार्ड बट दे आर व्हाट, सॉफ्ट। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्शन हो गया सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जो क्या है दे आर क्वाइट सॉफ्ट। ओके, दैट दे कैन बी कट थ्रू नाइफ वेरी इजीली। जो सारे मेटल्स आपके जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, लिखा इसको, नोट किया, नोट किया, जल्दी से नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको हैमर से बीट करके या मशीनरीज के थ्रू आप इनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, पतली पतली शीट्स, मोटी मोटी शीट्स, कैसे भी आप इनको जो है शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, और उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल। ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेलिएबिलिटी है, जिसकी वजह से हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन से थिन, हैवी से हैवी। ओके, सो थिन से थिन शीट के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनकी ये क्या होते हैं आपके, मेटल्स जनरली मेलिएबल होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, दिस मीन्स दैट द मेटल्स कैन बी बीटन विद अ हैमर इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, विदाउट ब्रेकिंग यू कैन कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स, आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को, मेटल्स की इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। गोल्ड और सिल्वर अमंग द मेटल्स आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मेलिएबल मेटल है, इनको थिन से थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा सिल्वर फॉइल लगाते हो, है ना, सिल्वर फॉइल आपकी जो है स्वीट्स के ऊपर लगी रहती है, बहुत सारी आपने स्वीट्स खाई होंगी, उसमें देखा होगा कुछ चमकीला चमकीला सा लगा रहता है सिल्वर, वो कैसे होती है, सिल्वर फॉइल रहती है। ठीक है, इतनी बारीक रहती है, कभी आपने उसको थोड़ा सा उखाड़ के देखा होगा, या मार्केट से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, आप लेके आ सकते हो सिल्वर। ठीक है, तो उसको आप टच करके देखना, बहुत ही बारीक थिन शीट्स में, बहुत ही पतली फॉइल्स में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मेटल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल को पहले हम बीट करके जो है कॉइन्स बनाते थे, है ना, जिनको अशर्फियां बोलते थे, पहले जो है आपके गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चला करते थे। ठीक है, जिनको अशर्फियां भी बोलते थे, तो कॉइन्स हम बनाया करते थे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के, और गोल्ड और सिल्वर आपके जो हैं मोस्ट मेलिएबल हैं, यानी कि हाईली मेलिएबल है आपके क्या, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर आपके हाईली मेलिएबल है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की फॉइल्स में आप जो है खाना पैक करते हैं, मम्मा टिफिन पैक करती है आपके घर पे। ठीक है, जब भी आप स्कूल जाते हैं तो टिफिन जो है जनरली किसमें पैक करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर जो है आपका खाना पैक करते हैं, कुकिंग फूड आप जो है पैक करते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम फॉइल वो क्या है, एल्यूमिनियम को आपने थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज मेलिएबल, है ना, एल्यूमिनियम क्या है आपका, मेलिएबल। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो हाईली मेलिएबल मेटल्स, ऑल मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आपके मेलिएबल मेटल्स नहीं है। ठीक है, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम आर नॉट मेलिएबल। व्हाट इज बेस्ट और हाईली मेलिएबल, बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन से हैं आपके, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और एल्यूमिनियम और कॉपर भी आपके जो है हाईली मेलिएबल है, आयरन भी आपका मेलिएबल है, इसलिए आप जो है उससे गेट्स वगैरह बना लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, गेट्स आयरन के जो है, गेट वगैरह आपने देखे होंगे, शीट्स देखी होंगी। ओके, और उससे जो है आप डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है,
तो आयरन भी आपका मेलिएबल है, एल्यूमिनियम भी मेलिएबल है, एल्यूमिनियम के आपने फ्रेम्स वगैरह देखे होंगे, विंडोज देखी होंगी, है ना, और कॉपर भी आपका मेलिएबल, कॉपर से भी आपने जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जैसे बॉटल वगैरह, ठीक है, पतली दो थिन शीट्स में उसको पहले कन्वर्ट करते हैं फिर उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट का शेप देते हैं, ठीक है। तो सारे आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है आपके मेलिएबल मेटल्स हैं, ठीक है, यानी कि हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, नोट किया, आगे बढ़े। तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, फिजिकल स्टेट और हार्डनेस, और थर्ड है आपकी मेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल जब आपके, मेटल क्या होते हैं? मेटल आपके जब हम वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। और जो मेटल्स आपके वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम डक्टाइल बोलते हैं। सो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मेटल्स आपके कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम उनको इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इन टू थिन वायर्स, ठीक है, यानी कि मेटल्स को हम ड्रॉन कर सकते हैं, यानी कि उनसे वायर बना सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं उनको थिन वायर्स के अंदर, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर आपके क्या होते हैं? ज्यादा डक्टाइल मेटल होते हैं, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड के आप बहुत ही जो है उसको थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर्स में हम उनको कन्वर्ट करके जो है आपने देखा होगा ज्वेलरीज वगैरह में यूज लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नोज रिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इयररिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो है गोल्ड वायर का आप बहुत ज्यादा यूज लेते हैं, है ना। गोल्ड को आप बहुत ही ज्यादा, वो क्या है, मेलिएबल है और डक्टाइल है, इसलिए हम उसको ज्वेलरी में यूज ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है उससे डिजाइन्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के आप ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स उससे बना सकते हो, ठीक है। सो गोल्ड और सिल्वर आपके क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल, कॉपर, एल्यूमिनियम और टंगस्टन भी जो है बहुत ही डक्टाइल है। कॉपर की आपने वायर्स देखी होगी आपके घर में, जो करंट आ रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट जो ट्यूब्स में, ट्यूबलाइट्स में और फैंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, किससे फ्लो हो रहा है? कॉपर वायर से, ठीक है। कॉपर वायर को जो है हम रबर या प्लास्टिक की कवरिंग उसको देते हैं, उसके अंदर आपका क्या होता है? कॉपर वायर होता है, ठीक है। तो कॉपर क्या है? बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है ना, उसको वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम वायर्स आपने देखी होगी बाहर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे, है ना, जो बड़ी बड़ी लाइन जा रही हैं करंट की, है ना, आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, वहां पे एल्यूमिनियम वायर्स यूज की जाती है, ठीक है। और टंगस्टन, टंगस्टन को भी अपन जो है बहुत डक्टाइली कन्वर्ट कर सकते हैं, टंगस्टन भी आपका बहुत डक्टाइल मेटल है, ठीक है। आपने देखा हो बल्ब के अंदर बहुत ही बारीक सी जो है वायर लगी होती है जो ग्लो करती है ना, वो क्या होती है? टंगस्टन वायर होती है, ठीक है। तो मेटल्स आपके क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, एंड देयरफॉर दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर एंड आर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हम इनको यूज लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? एक्सेप्शन है आपके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये आपके क्या है? दे आर नॉट डक्टाइल, ये क्या है? दे आर नॉट डक्टाइल, वाइल द मेटल्स लाइक योर टिन, लेड एक्सेट्रा आर लेस डक्टाइल, ठीक है। टिन और लेड मेटल ऐसे हैं जो क्या है? लेस डक्टाइल, ठीक है, लिखा है इसको, नोट किया, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी जो है हमें नॉन मेटल भी आगे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सारे मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कंडक्टर का मतलब है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं,
है ना, वो अपने अंदर से उनको फ्लो करने देते हैं। फ्लो किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, यानी कि वो अपने अंदर से उनको फ्लो होने दे रहे हैं किसको? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे अलाउ करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने अंदर से किसको? हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी उनकी क्या हो जाती है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड देयर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो ऑल मेटल्स आर जनरली व्हाट? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ आया? जैसे कि हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, हम कॉपर वायर ले रहे हैं। ठीक है, आपके यूटेंसिल्स बना रहे हैं, कुछ इस तरीके के पैन्स आप घर पे यूज करते ही हैं, कढ़ाई यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैन्स यूज करते हैं, और ठीक है कुकर वगैरह यूज करते हैं आप, तो वो सारे किसके हैं? आपके मेटल्स के बने हुए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर्स हैं आपके, कॉपर वायर्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। ठीक है, कॉपर की आप जो है सर्दियों में रॉड यूज करते होंगे। ठीक है, तो रॉड होती है आपकी कॉपर की, जो क्या करती है? हीट कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट भी वो क्या करती है? कंडक्ट करती है। ठीक है, सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, पर सिल्वर हम यूज नहीं लेते। ठीक है, सिल्वर हम यूज नहीं लेते क्योंकि सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम और आपका दैट इज वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देयर फोर दे आर यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हम जो है कुकर हो गया, हमारे पैन हो गए, ठीक है कढ़ाई वगैरह हो गई, ये सारे हम एल्यूमिनियम कॉपर के यूज लेते हैं, इनसे हम बनाते हैं। लेट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मर्करी इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मर्करी भी है, वो भी क्या है आपका? इट इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, यानी कि कंडक्ट तो करता है बट इट इज पुअर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किस वजह से हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से हो रही है। सिल्वर आपका जो है बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सिल्वर हम यूज नहीं लेते, है ना? सिंस सिल्वर इज द एक्सपेंसिव, देयर फोर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, सिल्वर जो है बहुत ही कॉस्टली होता है ना, महंगा मेटल है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए उसको यूज नहीं लेते। सिल्वर की वायरिंग अगर आप करेंगे तो आपके जो है बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, है ना? तो सिल्वर वैसे तो बेस्ट कंडक्टर है बट जो है काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की वायरिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, सो बेस्ट कंडक्टर क्या हो गया आपका? सिल्वर। पुअर कंडक्टर हो गए आपके लेड, बिस्मिथ, टंगस्टन। ठीक है, इनको आप लिख सकते हैं, नोट किया आपने? आगे बढ़े, चलिए लिखा, नोट किया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐसे। ठीक है, तो आपके जो है मेटल्स जनरली क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आज हमने इसके अंदर पढ़ी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं अपनी, मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, मेटल्स आपके कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं एंड कैन बी पॉलिश। इनको हम क्या कर सकते हैं?
पॉलिश्ड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, यानी कि शाइन होती है इनके अंदर, ठीक है। शाइन होती है तो हम इनको जो है इजीली ऑर्नामेंट्स और हमारी ज्वेलरीज बनाने में यूज लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, यानी कि उसके अंदर शाइन होती है, लस्टर होती है, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, ओके। एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, उनको हम जो है पॉलिश भी कर सकते हैं। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स ऑल्सो नोन एज मेटेलिक लस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, इनके अंदर क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। गोल्ड बहुत ही अच्छा चमकता है, ठीक है, जब आप इसको जो है बनाते हैं, इसको निकालते हैं आग में से, तो ये और भी ज्यादा सुनहरा लगता है, चमकता है, इसलिए हम इसको जो है ज्वेलरीज बनाने में यूज लेते हैं, है ना। और प्लैटिनम भी एक बहुत ही अच्छा आपका मेटल है, जिसको आप जो है ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज लेते हैं, ठीक है। सिल्वर से भी हम जो है काफी ज्यादा ज्वेलरीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेटल गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हैव हैवी, आर हैवी एंड दे हैव व्हाट, दे हैव हाई डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मेटल इज वेरी हाई, मर्क्यूरी जो मेटल होता है जो कि लिक्विड में होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, दे हैव व्हाट, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। डेंसिटी ऑफ मेटल्स आर जनरली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल किसकी प्रोपोर्शनल है, उनके एटॉमिक मासेस के, ठीक है। जिनका एटॉमिक मास जो है ज्यादा होता है, उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिनका एटॉमिक मास कम होता है, उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। सो मेटल की डेंसिटी जनरली कैसी होती है, हाई होती है। मर्क्यूरी मेटल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की डेंसिटी जनरली कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। तो नोट किया इनको, मेटल्स आर लस्टरस एंड मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। मेटल्स आर लस्टरस एंड मेटल्स हैव व्हाट, हाई डेंसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी से। नोट किया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल्स आपके होते हैं उनका जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, देखो बार बार आ रहे हैं, तो आपको ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो बार बार एक्सेप्शंस में आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे आप, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। मेटल्स आर रिजिड, ठीक है, सॉलिड हैं तो रिजिड होंगे, ठीक है। सो मेटल्स आर व्हाट, दे आर रिजिड एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैसी होती है, हाई होती है, यानी कि ये हैवी लोड्स को बियर कर सकते हैं, यानी झेल सकते हैं, ठीक है। हैवी से हैवी लोड्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से झेल सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब भी आप इनको हिट करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई मेटल्स, जैसे कि आपका हो गया बेल्स हो गई, है ना, मेटल है तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेटल साउंड का मतलब होता है, साउंड में आपको जो वर्ड याद रखना है वो क्या याद रखना है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब सपोज ये बोर्ड है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये है, ठीक है, तो ये जो है कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहां पर ग्लास है, तो ग्लास पे जो है साउंड तो ये भी है, पर ये रिंगिंग साउंड नहीं है, ठीक है।
कोई भी मेटल हो गया, जैसे ये बॉटल होगी, किसकी बॉटल है, कॉपर की, ठीक है। इस पे जब आप बीट करेंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा रिंगिंग साउंड, है ना। रिंगिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करेंगे कोई भी मेटल आपका, जब भी आप उसको हिट करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, कैसे होते हैं ये, सोनोरस होते हैं, यानी कि जब भी आप इनको हिट करेंगे दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब आप इसको हिट करोगे तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और कलर में, ठीक है, यूजुअली मेटल्स आर वाइट एंड सिल्वर ग्रे कलर के अंदर होते हैं, ठीक है। बट सम मेटल्स हैव डिफरेंट कलर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज येलो, ठीक है, येलो मेटल, एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन। कॉपर कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, इसके ऊपर पॉलिश है, बट अगर आप इसको देखें तो ये कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है, कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपका कॉपर, ओके। और गोल्ड आपका कैसा होता है, इट इज येलो इन कलर, ठीक है, चमकदार होता है, पीलापन होता है उसके अंदर, ओके। चलिए, लिखा आपने, नोट किया, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट कर लिया करें साथ के साथ, ताकि अपन जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके, है ना। नोट कीजिए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर रिजिड, मेटल्स आर सोनोरस, एंड दे हैव डिफरेंट कलर, जनरली दे आर वाइट एंड ग्रेस इन कलर, बट सम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर दे आर येलो एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। नोट कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, ओके। फिर अपन बढ़ेंगे आगे, छटाछट छटाछट छटाछट, ठीक है। राइमिंग, आगे बढ़े, ओके। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स आपके किस तरीके के मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपकी जो एक टेबल है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उसमें आपके नॉन मेटल्स कहाँ आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, यानी कि आपका राइट, मेरा राइट नहीं, मेरा राइट तो इधर है, ठीक है, आपका राइट मतलब इधर, ओके, ऐसे आप देख रहे हैं तो आपका राइट, तो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आते हैं आपके क्या, नॉन मेटल्स, क्या, नॉन मेटल्स, ठीक है। द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उनकी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ब्रिटल का मतलब उन पे जब आप हिट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, किसमें, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, उनके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके कैसे होते हैं, ब्रिटल होते, कैसे होते हैं, ब्रिटल होते, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते, है ना, इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वायर्स में इनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ना तो ये हीट कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन देखने वाला है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, वो क्या है आपका, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ योर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इट इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वहां पे हम जो है ड्राई सेल के फॉर्म में इसको यूज लेते हैं, किसको, ग्रेफाइट को। ये क्या है, गुड कंडक्टर है नॉन मेटल होते हुए, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, एक्सेप्शन में आ गया है हमारे पास क्या, नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ठीक है। नॉन मेटल जो जनरली आपके कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, जैसे आपका कार्बन हो गया, कोल हो गया, है ना,
कैसा होता है, बहुत डल होता है, ब्लैक कलर का डल सा होता है, और उसको जो है हम पॉलिश भी नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन है आपके, ग्रेफाइट और आयोडीन आर लस्ट्रस नॉन मेटल। ग्रेफाइट और आयोडीन आपके ऐसे नॉन मेटल हैं जो कैसे हैं, लस्ट्रस हैं और शाइनी अपीरेंस शो करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट और एक आयोडीन, दो आपके ऐसे नॉन मेटल्स हो गए जो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनी अपीरेंस शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड में आ जाते हैं आपके कार्बन, सल्फर, आयोडीन। गैसेस में आ जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, मेटल्स आपके कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इजीली जो है ये ब्रेक कर जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर जनरली व्हाट, दे आर सॉफ्ट। ओके, एंड ब्रोमीन एक आपका नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बाकी आपकी गैसेस होती हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो और सॉलिड में आओगे आपका कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऐसे आपके नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इनका फिजिकल स्टेट हो गया, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इनका फिजिकल स्टेट वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आपको जनरली तीनों ही स्टेट में देखने को मिल जाएंगे। और नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे एक है, ये है दैट डायमंड, डायमंड आपका क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब नॉन मेटल है। ठीक है, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो। कैसा है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, यानी किसी भी चीज से आप इसको जो है कट नहीं कर सकते। डायमंड को कट करने के लिए डायमंड ही चाहिए होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरली हमें मिलता है, और क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब नॉन मेटल्स में आता है क्या, डायमंड। ठीक है, क्या आता है, डायमंड आता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, डायमंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल दैट इज कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, ब्रोमीन, आप ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। कैसे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नोट किया, आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जनरली कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन यहां पर भी आ गया, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक आपका एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का। जैसे डायमंड हो गया, ऐसे ही ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का। हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3730 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, काफी ज्यादा होता है, 3730 डिग्री सेल्सियस। ओके, अदर एक्सेप्शन आर कार्बन, बोरॉन, सिलिकन विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन, बोरॉन, सिलिकन, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, कार्बन के अंदर ही आ गया ये ग्रेफाइट भी, है ना, इट इज एनलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एक आपका नॉन मेटल है जो क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जनरली आपके नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट एक्सेप्शन है आपके पास ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एक्सेप्शन है आपका क्या, आयोडीन। आयोडीन हैज हाईएस्ट डेंसिटी एंड डायमंड विच इज ऑलमोस्ट एज हैवी एज एल्यूमिनियम। ठीक
ठीक है, आपका एल्यूमिनियम की तरह ही इनकी डेंसिटी होती है, मतलब हाई डेंसिटी होती है किसकी, आयोडीन और डायमंड की, ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी, एक्सेप्शन है क्या आयोडीन और डायमंड, ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दैट इज शीट्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से हम जो है शीट्स नहीं बना सकते, ओके, मेटल से हम शीट बना सकते हैं इसलिए वो क्या है, मेलिएबल है, और नॉन मेटल से हम शीट नहीं बना सकते इसलिए दे आर नॉट मेलिएबल, ओके। तो सारी प्रॉपर्टीज लगभग जो है ऑपोजिट हैं, बस कुछ एक्सेप्शंस है वो ही आपको जो है याद रखने हैं, बाकी चीजें तो आप आसानी से याद कर ही लोगे, ठीक है, एक्सेप्शंस पे ही आपको थोड़ा जोर देना है, वहीं से आपको उलझाने का कोशिश करेगा, वहीं से ही आपके लिए क्वेश्चंस उठा के लेके आएगा, क्वेश्चंस पूछेगा, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सेप्शन दैट इज कार्बन फाइबर इज एज टेंसाइल, मतलब अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी एज लाइक ऑफ स्टील, ओके, और सोनोरस नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी कि ये जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। कलर, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन इज ब्राउन इन कलर एंड आयोडीन इज वायलेंट इन कलर, वाइल ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर कलरलेस गैसेस, ठीक है, ये इनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, लगभग सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली हैं, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आज के लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले हम इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेंगे, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए फिर हम जो है एक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। चलिए फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, मेटल्स आपके कैसे होते हैं, सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, और नॉन मेटल्स आपके तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। हार्डनेस की बात करें तो जनरली आपके मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पर सोडियम पोटेशियम जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और नॉन मेटल्स भी आपके जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी यानी कि जनरली आपके मेटल्स जो है मेलेबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आपके नॉन मेलेबल मेटल्स हैं, ठीक है, और आपके नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिटल यानी कि क्रैक आ जाते हैं और पीसेस के अंदर टूटते हैं। डक्टिलिटी आ गई आपकी, जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन भी यहां पर दिए हुए हैं आपको, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो कि डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, कंपैरिजन टेबल है। और आगे आती है आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट, कंडक्टिविटी, जिसके अंदर मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर होते हैं आपके क्या, नॉन मेटल, बट एक्सेप्शन है आपका क्या, ग्रेफाइट, ओके। लस्टर यानी कि मेटल्स जनरली लस्टर शो करते हैं यानी कि शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है, यानी शाइन शो नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट और आयोडीन, ये कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं अपीयरेंस में। डेंसिटी की बात करें, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड दे हैव हाई डेंसिटी, ओके। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, आपका मेटल्स का, और लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका किसका, नॉन मेटल्स का, ओके। तो यहां पे एक्सेप्शन है क्या, ग्रेफाइट, कार्बन, बोरॉन, सिलिकन जो क्या होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो दे आर रिजिड, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका, मेटल्स का, और अपोजिट होता है आपका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका, नॉन मेटल्स का, ठीक है, एक्सेप्शन है आपका कार्बन फाइबर। सोनोरस की बात करें, जनरली मेटल्स आर व्हाट, सोनोरस, और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। कंपैरिजन टेबल अपन ने पढ़ लिया, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।